तो भाई मेरा नाम चेतन जांगड़ी, अपनी महिंद्रा बोले रहा है। एक आपको एक महिंद्रा के बारे में एक चीज़ सबसे बढ़िया बताता हूँ, जो कि यार महिंद्रा एक पहली कंपनी है जो कि यार सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ी के अंदर चेसिस प्रेफर करती है। वो कैसे देता हूँ देखो आपको, वो कैसे किस प्रकार से करती है अपनी गाड़ी के अंदर प्रेफर। तो यार देखो महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो कि यार सबसे ज़्यादा अपने को चेसिस प्रोवाइड करती है अपनी गाड़ियों के अंदर। आप जितने भी गाड़ियों लोगे ना, उनमें लगभग अराउंड 50% गाड़ियों के अंदर इसके चेसिस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यार काफ़ी सही है। अब सेफ्टी रिलेटेड भी सही है और वैसे भी सही है। देखो भाई दावे अभी देखो सेफ्टी किस हिसाब से देखो, कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है अपनी गाड़ी पर तो देखो यार चेचिस उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देता है। सब यार देखो अपनी गाड़ी के अंदर भी अपनी बोलेरो है जो कि यार इसके अंदर भी चेचिस लगा हुआ है, जो कि यार काफ़ी अच्छा है। अब देखो वो चेचिस आप पहचान किस तरीके से सकते हो कि अपनी गाड़ी के अंदर चेचिस लगा हुआ है या नहीं। अपनी गाड़ी के अंदर देखो यार अभी महिंद्रा बोलेरो है, इसके अंदर चेचिस देखने के लिए मिलता है। सो अभी देखो ये देखो यार इसके अंदर चेचिस ये रहा, जो कि यार ये देखो अभी यार इसका चेचिस मेरे को इसलिए बढ़िया लगता है, इस गाड़ियों के अंदर चेचिस इसलिए बढ़िया लगता है कि क्योंकि यार अगर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है ना अपनी गाड़ियों के अंदर तो यार उसको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है ये, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। और यार इसको सेफ्टी की ज़रूरत भी नहीं है, जो कि यार सेफ्टी ये खुद बना कर रखता है चेचिस। इसका एक डिसएडवांटेज रहता है जो कि यार अगर बाय द वे ऐसा ना हो कभी भी कि जैसे यार कुछ भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है तो अपनी गाड़ी के अंदर ये थोड़ा सा बैंड ज़रूर हो जाता है कभी कभार ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने पर, पर इसको भी अपन आसानी से सही करवा सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं। अभी देखो यार इसके अंदर ओलोरो अपनी गाड़ी के अंदर देखो पूरा चेचिस दे रखा है नीचे, यानी कि चेचिस पर इंजन रखा हुआ है, ना कि बॉडी पर। बॉडी पर तो बस बॉडी तो ओनली चेचिस पर रखी हुई है, जो कि यार एक फ्रीली है। अपन इसको बॉडी को चाहे कभी भी इसको बोल्ट खोल कर पूरा हटा सकते हैं अपनी मन मर्जी से हिसाब से, जो कि यार काफ़ी अच्छे तरीके से। सो यार देखो ये बॉडी पूरी है ना इसके ऊपर इस प्रकार से लगी हुई है, बॉडी की माउंटिंग इस प्रकार से रखी है अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि यार काफ़ी अच्छी तरीके से। तो देखो यार इस प्रकार के बोल्ट लगे हुए हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जो कि यार काफ़ी अच्छे से माउंटिंग कर रखी है महिंद्रा ने। और ये सही नहीं कि देखो जैसे कि अभी देखो ये वाला पार्ट चेंज होगा तो यार इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अपनी गाड़ी को वाला पीस को काट कर बिल्कुल ऐसे करेंगे। जैसे कि यार आप कोई सी गाड़ी ले लो, ब्रेजर ले लो या कोई सी गाड़ी ले लो, तो उसके अंदर भी देखो अब जैसे यहाँ पर देखो रस्टिंग आ रखी है, तो यार जैसे कि आप लोगे ना कभी देखो करवाओगे इसको कभी रिपेयर, तो यार इसके अंदर ये पूरा पार्ट को बिल्कुल ऐसे सही कर देंगे इसमें, तो इसके अंदर बॉडी है इसके अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे और कोई सी गाड़ी लेते हो ना तो उसके अंदर क्या है चेचिस देखने के लिए नहीं मिलता, बॉडी पर पूरा वो रहते हैं अपनी गाड़ी, तो यार पूरा अभी यार उसको चेंज कराने में भी काफ़ी ज़्यादा अपने को दिक्कत भी आती है, बट यार इसमें कोई भी इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि यार इसकी बॉडी अलग से मिलती है अपने को। बाय द वे कुछ भी हो जाए तो अपने को यार इसके पूरे स्पेयर पार्ट्स रहते हैं ना बॉडी के, जो भी यार अलग अलग टुकड़ों के अंदर महिंद्रा बेचता है, जो कि यार काफ़ी अच्छे के हैं यार इसके अंदर। अब जैसे आप यार woodma.com पर जाओगे तो यार इसके बॉडी का हर एक पार्ट आपको मिल जाएगा, जो कि यार काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो किस प्रकार से ये चेचिस इंजन पर टिका हुआ है, अभी बता देता हूँ देखो आपको। ऑल ओवर इसके अंदर पूरा चेचिस का ही काम है अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर। तो अभी देखो इसके अंदर भी यहाँ पर देखो चेचिस पर इसके शोकर की माउंटिंग हो रखी है, देखो अपना इंजन भी क्या है ऑल ओवर इस पर चेचिस पर ही टिका हुआ है, जो कि यार अच्छी बात है। अब देखो अपनी तो बॉडी भी अपनी बॉडी की माउंटिंग भी चेचिस पर हो रखी है, ना कि अब देखो यार अभी शोकर वोकर अपनी कोई भी बॉडी पर नहीं लग रखे, क्योंकि यार बॉडी तो एक फ्रीली है इसके अंदर, यानी कि आप जब चाहो जब निकाल सकते हो, बिना बॉडी के भी इसको चला सकते हो, जैसे भी कोई जुगाड़ कर अपनी बोलेरो को। यह भी इसका फ़ायदा अपनी महिंद्रा बोलेरो का। अभी चेचिस देखो यहाँ तक है जरा, अभी इसका आखिरी एंडिंग पॉइंट है चेचिस का, जो कि यार ये देख रहा होगा आपको। अब यार चेचिस की यही तो मेरे को चीज़ बढ़िया लगी, इसके अंदर वेट बताऊँ कितना आता है अराउंड 16 किलो के अराउंड आता है इसके अंदर वजन, जो कि यार काफ़ी अच्छा है। अब यार वजन 1.5 टन वजन आता है अपनी गाड़ी के अंदर अप्रोक्स, जो कि यार काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर, जो कि यार अपने को काफ़ी अच्छा टॉर्क मतलब रोड पर प्रोवाइड कर देता है। यार टॉर्क तो इसका बहुत कम है वैसे तो, पर काफ़ी यार इस वाली गाड़ी के हिसाब से तो इंजन इसके अंदर अच्छा है, जो कि यार आजकल की गाड़ी आ रही है तो उसके अंदर भी क्या है इंजन भी कि थोड़ा कम कर दिए, जो कि यार उसके अंदर भी 1.5 MO डीजल इंजन आ रहा है, जो कि यार काफ़ी मतलब टॉर्क तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बट यार अपना 2.5 लीटर टर्बो इंजन है, जो कि यार टॉर्क थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है, पर इसके थोड़े RPM भी कम है उसके, क्या है RPM भी ज़्यादा है और पावर भी उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, तो यार वो काफ़ी अच्छा टॉर्क अपने को जनरेट करके दे देती है। बट यार अपनी ये वाली महिंद्रा बोलेरो है, जो कि यार इसके अंदर पावर तो ज़्यादा दे रखी है पर RPM कम दे रखे हैं, ये तो रहता है यार इसके अंदर। अभी देखो यार इसके अंदर ऑल ओवर है ना, जो कि यार पूरा चेचिस पर ही रहता है, जो कि माउंटिंग इसकी ऑल ओवर पूरी जितनी भी है ना वो चेचिस पर माउंटिंग दे रखी है। अब देखो पीछे से
यहाँ तक छुपा रखा है। देखो यहाँ तक बता देता हूँ, देखो आपको, देखिए यार यहाँ पर आकर इसकी माउंटिंग थोड़ी रुक जाती है। देखो अब ये क्या है, आखिरी के अंदर भी इसके अंदर चेचिस दे रखा है। देखिए यार आप जैसे थार हो गए ना, यानी पुरानी वाली थार लेते हो ना, उस प्रकार से इसके अंदर आखिरी के अंदर दे रखा है। देखो देखिए इसके पीछे छिप रखा है जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखो बॉडी की ऑल ओवर माउंटिंग देखिए यार इस हिसाब से मिल जाती है अपने को। अब इसके अंदर ऑल ओवर पूरा चेचिस देखने को मिल जाता है। चेचिस पर ही क्या है, इसकी बॉडी की माउंटिंग की जाती है। अब इसके अंदर ऑल ओवर जितना भी सामान अभी बता देता हूँ, देखो नीचे से किस प्रकार से लगाया गया है, इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। देखो इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा साइलेंसर वाइलेंसर सब आगे तक है। बहुत नीचे से तो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबी लगती है अपनी महिंद्रा बोलेरो। अभी आगे से और बता देता हूँ किस प्रकार से इसके अंदर लगाया गया है। क्योंकि यार काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर इंस्टॉलेशन की गई है हर एक चीज़ की, जो कि यार मेरे को अच्छी लगी। अब इसके अंदर नीचे से बता देता हूँ, देखो आपको ये देखो यार इसका यह चीज़ मेरे को अच्छी लगी इस गाड़ी के अंदर। देखिए यार काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर कोई भी सामान लगा रखा है तो वो यार काफ़ी अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन की गई है सामान की। तब यार देखो ऑल ओवर पूरी जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं जो कि यार सही तरीके से असेंबली की गई है इसमें महिंद्रा बोलेरो की। और यार कई चीज़ें रहती है अपनी बॉडी के अंदर जो कि यार कंपनी वाले सही से नहीं करते, क्योंकि यार रोबोट रहते हैं ना वो भी यार इतने एक्यूरेसी नहीं दे पाते अपने को, जो कि यार अभी मैं बता देता हूँ। देखो आपको मशीनरी भी अपने को क्या है इतनी एक्यूरेसी नहीं दे पाती, अभी बता देता हूँ। देखो आपको रोबोट्स की भी गलतियाँ, आप कितनी यार कितने आप कितने ही मशीनरी बना लो, पर यार अपने जितने आदमी काम करते हैं ना, यानी कि वुमेंस काम करते हैं ना, उस प्रकार से रोबोट भी काम नहीं कर पाते। अभी देखो यहाँ पर ये यानी कि 0-0 रहना चाहिए बिल्कुल भी। देखो इसके अंदर 3 बारी के अंदर लग रखा है ये देखो लोहा, यानी चद्दर है ना जो भी इसके अंदर उपयोग में ली गई है, जो कि अभी देखो 3 बारी के अंदर लगनी चाहिए वैसे, 1, 2 और 3 लेयर इसकी देखो चद्दरों की। देखिए यार इसके अंदर पूरा होल है ना वो एज इट इज़ मिलना चाहिए, बट यार इसके अंदर क्या है आउट लगा रखा है पूरा, इसके अंदर बिल्कुल ऐसे फिक्स रहनी चाहिए बट यार पूरा आउट लगा रखा है, जो कि यार सही नहीं है इसमें। अभी अगर आप रोबोट रहता ना वो भी इतनी अपने को एक्यूरेसी नहीं दे पाता जितना कि ह्यूमन दे पाते अपने को, यानी ह्यूमंस अपना जो भी लोग हैं ना यार अपनी देखो मनुष्य जितनी है सही कर पाता है ना काम को, उतना रोबोट्स भी नहीं कर पाते। कई ऐसे बोलते हैं कि यार कई क्या सभी ऐसे बोलते हैं कि है ना रोबोट एक्यूरेसी काम करता है बिल्कुल एक्यूरेसी के अंदर करता है, बट कोई नहीं कई चीज़ें रहती है जहाँ पर रोबोट भी एक्यूरेसी नहीं दे पाता अपने को, जैसे कि अंदर इसके अंदर पूरा रोबोट ही कर रखा है पूरा काम है ऑल ओवर अपनी गाड़ी के अंदर, जितना भी रबड़ कोटिंग का है या फिर इसके अंदर वेल्डिंग का ले लो कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर पूरा ऑल ओवर पूरा रोबोट ही करता है, बट यार इसके अंदर इतनी कोई एक्यूरेसी नहीं दे पाते अपने को रोबोट भी। यार अभी जो यार इसके अंदर जब पूरी वेल्डिंग का जितना भी अपने चेचिस पर काम हो रखा है ना सब रोबोटिक द्वारा ही हो रखा है, जो कि यार काफ़ी अच्छे से हो रखा है, बट यार इसमें तो अपन कोई कमी नहीं निकाल सकते। बट ऐसा है जैसे कि यार यहाँ पर देखो इस जगह अपने को जहाँ पर लगती है ना उस जगह तो अपन कमी निकाल ही सकते हैं, जैसे कि यार इसके अंदर अभी मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर ये कमी है जो है उसका भी क्या कर ले, क्योंकि यार रोबोट्स अपन देखो कोई ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी कंपनी पर, क्योंकि यार अपने को अपने प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में अपने को चेक करनी पड़ती है चीज़ें, ये कह रहा है अपन ने नहीं की, बट कोई नहीं यार अपनी गाड़ी के अंदर मेरे को यार सेफ्टी वाइज देखो महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर यही चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगती है, जो कि यार इसके चेचिस सबसे ज़्यादा देता है अपनी गाड़ियों के अंदर, जो कि यार काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर क्या है सेफ्टी वाइज तो सबसे अच्छा माना जाता है, जैसे कि यार टोयोटा फॉर्च्यूनर ले लो तो इसके अंदर भी अपने को चेचिस ही देखने के लिए मिलता है, मेरे को शायद इनोवा के अंदर चेचिस नहीं आता, जैसे कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो है इसके अंदर तो चेचिस देखने के लिए मिलता है अपने को, वेरी अच्छी बात है। वैसे तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ, बस यार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो।